एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर के सदस्यों के द्वारा 15 सितंबर को इंजीनियर डे के उपलक्ष में भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पर अभियंता दिवस का ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन सुबह 7 बजे किया जाएगा। इस ऑनलाइन वर्कशॉप में गोरखपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम इंजीनियरिंग कॉलेज के अभियंता शामिल होंगे। ऑनलाइन वर्कशॉप में इस समय का वर्तमान मुद्दा शमन योजना जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा चलाया जा रहा है, जिस पर सभी अभियंता अपना अपना विचार प्रस्तुत करेंगे एवं एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के अवसर पर कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरण के साथ वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर A.N. त्रिपाठी इंजीनियर सतीश सिंह ने कहा, इंजीनियर A.N. त्रिपाठी चेयरमैन है, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर सिटी चैप्टर गोरखपुर के तत्वाधान में 15 सितंबर 2019 को इंजीनियर्स डे के उपलक्ष में एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण और मास्क सैनिटाइजर आज सारी चीज़ों लोगों में इसका वितरित किया जाएगा। और जो हमारा मेन थीम इस समय वर्तमान समय में जो है कि सम्मान योजना जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस समय चलाया जा रहा है, उसमें जो भी लोगों को परेशानियां हो रही हैं उसके लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप का ऑनलाइन आयोजन किया गया है जो कल 15 तारीख को सायं 7 बजे से होगा, जिसमें GDA नगर निगम इंजीनियरिंग कॉलेज PWD और अन्य विभागों से विभिन्न तरह के जो इंजीनियर्स ग्रुप लोग वहाँ उपलक्ष रहेंगे और अपने अपने विचार जो है वो वहाँ प्रदान करेंगे, जिससे जनता को भी उसकी जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर होंगी और सारी चीज़ों से लोगों अवगत होंगे। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोगों जनता को जागरूक करना चाहते हैं। मेन तो हमारा जो है इंजीनियर्स डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारे भारत रत्न जो क्या नाम है उनका विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं, और इसी के साथ जो वर्तमान समय जो हमारी कोविड-19 की जो ये प्रॉब्लम है उसके लिए हम जनता को जागरूक भी करना चाहते हैं और उनके जन्मदिवस के ऊपर में वृक्षारोपण वगैरह आज जो भी अन्य कार्यक्रम एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जो है ये आयोजित किए जाएंगे इसका जो है ये। और मेन जो हमारा टॉपिक है सम्मान योजना जो GDA द्वारा जो किया जा रहा है, उसके लिए जो भी जनता को परेशानियां हो रही हैं उसके बारे में हम इंजीनियर बंधु एक साथ बैठ करके उसकी सारी परेशानियों का निराकरण करेंगे और लोगों को उसके लिए जागरूक करेंगे। इंजीनियर सतीश सिंह आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भारत रत्न इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के अवसर पर कर रहे हैं। वो भारत के एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनको मैकेनिकल सिविल से लिए हर इंजीनियरिंग भाषा का ज्ञान था। उनके पूरे देश में ये विश्वेश्वरैया जयंती मनाई जाती है और इस दिन गोरखपुर के जितने भी इंजीनियर हैं अपना सब समय छोड़ करके काम धाम छोड़ करके पौधारोपण दवा बांटना इस तरह कार्यक्रम कुछ न कुछ हर साल करते हैं। कभी इनसे फ्लाइटिस का लंगर भी चलाए मेडिकल कॉलेज में, हर साल अस्पतालों में दवाई बंटवाए हैं, तमाम तरह के हम सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और गोरखपुर की महायोजना में आज जितने भी मतलब जो छोटे मोटे जाम का भी जो सिस्टम है, जो कार्यक्रम है, चाहे अंडरग्राउंड जो बाईपास जो बने हुए हैं, इस सब में भी इंजीनियर स्टूडेंट का देन रहा है। अभी हम लोग उद्देश्य कल हम लोग एक मीटिंग करेंगे विश्वेश्वरैया जयंती जो 15 सितंबर है, उस दिन मीटिंग करके ये करेंगे कि आज जो गोरखपुर विकास प्राधिकरण में तमाम 22,000 नक्शे जो अवैध घोषित हुए हैं उसके उपलक्ष्य में हम सरकार से ये कहेंगे कि बैनामा यानी रजिस्ट्री के समय ही अगर लैंड यूज़ की कॉपी लगा दी जाए कि भला मोदीपुर का ये जगह भू प्रयोग आवासीय है या यहाँ का भू प्रयोग जो है क्या कहते हैं नो मेंस लैंड है, खुला क्षेत्र है। आज सिंघड़िया का जो है जो पानी लगता है आप देखे होंगे वो टोटल एक तरफ उत्तर साइड में नो मेंस लैंड है और दक्षिण साइड में खुला क्षेत्र है। आज वो नक्शा पास ना होने के वजह सब अवैध निर्माण हो गए हैं, जिस जगह जगह पानी लग रहे हैं ये हो रहे हैं। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि GDA को जागरूक किया जाए और GDA नगर निगम जिला पंचायत विभाग को जागरूक करने के लिए हमारे प्रोफेशनल इंजीनियर से कोई ना कोई एक मेंबर GDA को रखना चाहिए, चाहे नगर निगम को रखना चाहिए, चाहे जिला पंचायत रखना चाहिए। जिस दिन वो प्रोफेशनल का सहारा लेंगे,
गोरखपुर बहुत उन्नति करेगा, क्योंकि हम लोग का सिद्धांत ही है स्ट्रांग गोरखपुर स्ट्रांग भारत। हम गोरखपुर को मजबूत करेंगे और हम लोग जो सपना है जो यहाँ के मुख्यमंत्री का, चाहे हमारे जो मोदी जी का सपना है स्मार्ट सिटी, या स्मार्ट सिटी ये प्रोफेशनल इंजीनियर ही जो है ड्रा कर पाएंगे या इसको स्वरूप दे सकते हैं। इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक उसमें जो है सहभागिता प्रदान की जाए और उसके बाद गोरखपुर का स्वरूप देखा जाए, यही कल हम लोग का प्लानिंग है, यही हम लोग कल विचार है। अवैध निर्माण को कैसे आप रोक सकते हैं? अवैध निर्माण को जैसे बताएं, जब रजिस्ट्री होती है उसी समय हम भू प्रयोग अगर लिख दे आवासीय है तो दोबारा हमको भू प्रयोग लेना नहीं पड़ेगा। और कोई भी आदमी अगर ज़मीन हमसे कहेंगे तुम्हारी ज़मीन कृषि है तो मकान के लिए प्लाट नहीं खरीदेगा। एक्चुअल होता क्या है, ये लोग धोखे ज़मीन बेच देते हैं, आवासीय ज़मीन को खेती ज़मीन को आवासीय बना देंगे, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो ये लोग जो कॉलोनी रहते हैं उनको बेच देते हैं। तो उसके लिए हम लोग यही गुजारिश करते हैं कि रजिस्ट्री समय ही भू प्रयोग दे दिया जाए।